हेलो वेलकम दोस्तों, मेक इन जीनियस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गणेश चौहान और आज हम बात करेंगे माइकल फैराडे के रेफ्रिजरेशन रिलेटेड का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में। तो दोस्तों, माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि माइकल फैराडे कौन था, क्यों उन्होंने ऐसा इन्वेंट किया जिसको आज बहुत ही वैल्यूएबल थिंग जाना जाता है। तो माइकल फैराडे एक ब्रिटिश फिजिस एंड साइंटिस्ट था जिनका जन्म हुआ था सितंबर 22nd ऑफ 1791 में, और नेविंगटन नाम का एक गांव है जो सरी नाम के एक शहर में आता है जो इंग्लैंड में है, और उनका मृत्यु हुआ था अगस्त 25, 1867 इंग्लैंड में। अभी ये हो गया माइकल फैराडे के बारे में। अभी माइकल फैराडे के बाद में हम लोग बात करेंगे उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, मतलब एक्सपेरिमेंट ऐसा क्यों इतना ये हो गया था। तो दोस्तों, माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट है उसको हम और एक नाम से जाना जाता है जो आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन के नाम से। आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन मतलब क्या, जो आज के ज़माने में जो अपन रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं घर पे या फिर ऑफिस में या फिर एवरीवेयर वेयर वी यूज़ द आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। अभी आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन से पहले कोई रेफ्रिजरेशन था कि नहीं, ये तो सवाल आना जाहिर सी बात है। अभी आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन के पहले भी रेफ्रिजरेशन का सवाल था, एग्जिस्टेंस था। वो टाइम पे रेफ्रिजरेशन कैसे करते थे, सपोज अपना कोई विंटर का सीजन है या फिर कोई ठंडी जगह है, ठंडी जगह से बर्फ या फिर अपना आइस जो है आइस कैरी करके गर्म जगह पे लाके स्टोर करके फिर उसको अकॉर्डिंग टू यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा खर्चा होता था, मतलब आइस लाने का स्टोर करने का ये बहुत ज्यादा खर्चा होता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन बहुत एफिशिएंट हो गया आजकल के जमाने में। अभी ये आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन होता क्या है उसके बारे में। अभी ये जस्ट एक सेटअप है, मतलब ये तो एक्चुअल का सेटअप नहीं है, लेकिन ये सेटअप है जो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग है। अभी ये है बर्नर, मतलब यहाँ पे कुछ गैसेज जल रहा है और इधर अंदर है क्लोरीन हाइड्रेट क्रिस्टल, क्लोरीन का एक क्रिस्टल फॉर्म में इधर अवेलेबल है। और ये जो बीकर ए है और सेम सिमिलरली यहाँ पे बीकर बी है। बीकर ए में क्लोरीन हाइड्रेट क्रिस्टल है और बीकर बी में आइस का क्यूब्स है, आइस जो रहता है आइस का क्यूब्स है, और उन दोनों को है ना एक ग्लास ट्यूब से ज्वाइंट किया है, ग्लास ट्यूब से कनेक्ट किया है। अभी सडनली क्या होता है, अभी एक्सपेरिमेंट चालू कैसे होता है, सडनली बर्नर चालू किया, बर्नर से क्या हुआ, इधर अंदर हीट ऐड हो रहा है, हीट ऐड होने की वजह से जो क्लोरीन का जो क्रिस्टल फॉर्म था, सॉलिड फॉर्म क्या हुआ, फर्स्टली लिक्विफाइड होगा देन वेपराइज होने की वजह से क्या होगा, अभी इनिशियली दोनों बीकर में प्रेशर जो अपना सेम होने की वजह से कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं था। देन उसको जब अपन हीट करते हुए गैस बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो सिमिलरली वो जो गैस है वो गैस ये साइड में ट्रांसफर होने लगा, वो गैस जो क्लोरीन का जो गैसेस का डायरेक्शन है वो ये साइड में फ्लो होने लगा, फिर यहाँ से यहाँ फ्लो होने लगा, यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे हीट कर रहे तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था और यहाँ पे प्रेशर कम हो गया था। प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ये साइड में वो गैसेस ट्रेवल करना चालू हो गया। फिर बाद में ये साइड में जब आते हैं तो यहाँ पे ये आइस क्यूब्स है। आइस क्यूब पे जब वो क्लोरीन आके ये हो रहा था ना, मतलब लिक्विफाई हो रहा था, जो क्लोरीन लिक्विफाई होने की वजह से वो आइस पे जो एक फिल्म तैयार हो रही थी, ऑयली लिक्विड फिल्म टाइप है वो एक तैयार हो रहा था, वो फिल्म तैयार होने की वजह से फिर माइकल फैराडे ने देखा कि ये कैसा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये लिक्विड कहाँ से आया, यहाँ तो गैसेस होके यहाँ पे लिक्विड कैसे आ रहा है। तो उन्होंने ऐसे देखा, ट्राई किया कि मैं ये ब्रेक को इसको ब्रेक करता हूँ, फिर उन्होंने इसको जो अपना बर्नर है, अपना जो गैस का ट्यूब है उसको कट किया। कट करने की वजह से क्या होगा, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से ये जो इधर जो लिक्विफाइड जो क्लोरीन गैसेस था, जिधर जो लो प्रेशर साइड और लो टेम्परेचर साइड था, तो जैसे जैसे मतलब एक्सपांड हुआ, जैसे ये कट हुआ, ये डायरेक्टली एटमोसफियर के कॉन्टेक्ट में आया,
ये जो क्लोरीन जो लिक्विड लिक्विड स्टेट में था वो जाके इधर वेपराइज होके गायब हो गया। गायब हो गया मतलब किधर गया? तो ये जो टेम्परेचर एटमोसफियर का जो टेम्परेचर है, एटमोसफियर टेम्परेचर, वो क्लोरीन ने गेन कर लिया, गेन करके वो वेपराइज हो गया, वेपराइज हो गया, गायब हो गया। तो वो गायब जहां से उसने टेम्परेचर गेन किया है मतलब ऑब्वियसली वहां से वहां का टेम्परेचर कम हो गया। वहां का टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो इतना पर्टिकुलर रीजन था वो रीजन क्या हो गया, कूल हो गया था। और कूल होने की वजह से ये जो है ना माइकल फैराडे ने वो टाइम पे फील किया था। ये फील करने की वजह से वो टाइम पे उन्होंने ऐसा सोचा था कि मतलब ये यहाँ पे इतना स्पेस ठंडा क्यों हो गया। तो तभी ये जो क्लोरीन का गैसेज जो लिक्विड फॉर्म में था वो यहाँ पे जाके वेपराइज होके यहाँ का हीट लेके खुद वेपराइज हो गया और दूसरे चीज को ठंडा कर दिया, जैसे एटमोसफियर को ठंडा कर दिया। अभी ये हो गया, अभी उसका प्रोसीजर देखा जाएगा। तो इनिशियली क्या किया था अपन ने, क्लोरीन को हीट किया था तो लिक्विफाई हुआ था। क्या हुआ था? लिक्विफाई होने के बाद में वो गैसे ट्रैवल करना चालू हुआ टूवर्ड्स द बीकर बी की ओर ट्रैवल चालू किया। तो ट्रैवल वो साइड में जाने के बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड पे जो आइस क्यूब है उस पे लिक्विड फिल्म क्रिएट हो रहा है। लिक्विड फिल्म क्रिएट होने की वजह से उन्होंने वो मतलब जो थोड़ा चकरा गए तो उन्होंने ट्यूब को कट कर दिया। देखा तो जो लिक्विड था वो लिक्विड गायब हो गया, मतलब ये जो रीजन में पर्टिकुलर फिल्म क्रिएट हुई थी वो गायब हो गई जैसे ये कट किया था। कैसे गायब हो गया? जैसे तो यहां से जाके वेपराइज हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।